हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप सबके बारे में आज कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिट करना सिखाऊंगा लड़के के साथ। देख ही सकते हो गाइस, जो बहुत ही औसम फ़ोटो लग रहा है। और इस प्रकार का फ़ोटो एडिट करना सिखाऊंगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस। इस प्रकार का फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है गाइस, तभी आप इस प्रकार का बहुत शानदार फ़ोटो एडिट करना सीख पाएंगे। तो इसमें गाइस हमने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज किया है, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है गाइस। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना गाइस। वहाँ से आपको फ्री में बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको ऐप्स ओपन कर लेना है गाइस। तो गाइस, ऐप्स ओपन करने से पहले से आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप मेरे YouTube चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन है जरूर ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं इस प्रकार की एडिटिंग वाली वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है गाइस, और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिख रहा है गाइस, तो प्लस में क्लिक कर लेना है आपको। और प्लस में क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, तो ऑल फोटो में क्लिक कर लेना है आपको, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ गाइस। तो ये है मेरा बैकग्राउंड गाइस। तो इस प्रकार बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है गाइस आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फिर नीचे बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे आपको, तो आपको स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और यहाँ पर ऐड फोटो गाइस, तो ऐड फोटो में क्लिक कर लेना है आपको। और जैसे ऐड फोटो में क्लिक करोगे ना गाइस, तो अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है, तो मेरा फोटो ले लेता हूँ गाइस। तो गाइस, ये फोटो हमने पहले से बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है और पेज स्मूथ और सब कुछ कर रखा है। तो गाइस, मैं आज आपको भाई बैकग्राउंड में कलर और फुल एचडी फोटो कैसे एडिट करते हैं सब कुछ सिखाऊंगा। तो इस प्रकार फोटो को सही से सेट कर लेना है गाइस। तो मैं एक पीएनजी और ले लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, ये पीएनजी है, मैं बताऊँगा बस कहाँ से डाउनलोड करना है, हमने बताया दिया गाइस टेलीग्राम में आपको फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है आपको। तो इसको सही से सेट कर लेना गाइस, और ये जो अपना फोटो है ना इसको सही से एडजस्ट कर लेना, और ये अनुष्का जी का फोटो है ना इसको भी सही से सेट कर लेना है। इतना होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है गैस, यहाँ से राइट कर लेना है, ठीक है, राइट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है गैस। तो इसका पेज स्मूथ करना है गैस, और इसका पेज स्मूथ हो रहा है, तो ये देख सकते हो गैस पेज फटा हुआ लग रहा है, तो इसका पेज स्मूथ करेंगे। तो इतना होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है गैस, फाइनली फोटो को यहाँ से राइट कर लेना है, ठीक है गैस, डाउनलोड कर लेना है, सॉरी गैस। डाउनलोड करने के बाद आपको गैलरी में चले जाना है। तो गाइस, गैलरी हमने ओपन कर लिया और गैलरी में मेरा फोटो आ चुका है। तो गाइस, इस फोटो को आपको शेयर करना है यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन में, तो यहाँ से शेयर करना है इसको फाइनली स्नैपशीट एप्लीकेशन में। तो गाइस, ये सभी ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, ये रहा, इसमें शेयर करना है, ठीक है गाइस। इसमें आप जैसे शेयर करते हैं ना फोटो को, तो आपके सामने यहाँ पर कोने में टूल्स वाला आइकन दिखेगा, तो टूल्स में क्लिक कर लेना है आपको, और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और कुछ इस टाइप का टूल्स होगा गैस, तो इसमें क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है गैस। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना गैस, तो यहाँ पर देख लेना स्मूथ टू वाला ऑप्शन है, तो ये सेलेक्ट कर लेना है आपको। और सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट में गैस इसको पूरा इसको कर लेना है गैस, आपको 25+ कर लेना है, ठीक है गैस। और नीचे आ जाना है आपको, है गैस, इससे इसको पूरा कर लेना है आपको, इसको रख लेना आपको गैस, इसको 70 कर लेना है, ठीक है गैस। फिर यहाँ से राइट कर लेना है, तो देख सकते हो गैस आंखों में कितना अच्छा चमक आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना होने के बाद कुछ भी नहीं करना है, फिर से आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है, और आपको ट्यून मैजिक में क्लिक कर लेना है, और फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को कुछ भी नहीं करना है गैस, आपको आ जाना है यहाँ से चौथे नंबर वाले ऑप्शन में, ठीक है गाइस, इसके थोड़े इंक्रीज कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, इसको 6+ कर लेना है। फिर यहाँ से कर लेना है आपको राइट, तो देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा हो चुका है। होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से शेयर करना है गाइस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो मेरा ये रहा लाइटरूम एप्लीकेशन, इसके अंदर फोटो को शेयर कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस, हमने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लिया है, और शेयर हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, नीचे टूल्स दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पर कलर्स वाला ऑप्शन है गाइस, कलर्स वाला टूल्स है, तो कलर्स में क्लिक करना है आपको। और कलर्स में जैसे क्लिक करोगे ना गाइस आपको, तो यहाँ पर मिक्स है, मिक्स में क्लिक कर लेना है, और मिक्स में क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है गाइस,
और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेना है, सॉरी गाइस इसकी। तो गाइस यहाँ पर दूसरा नंबर वाला टूल से ना इसको आपको माइनस कर लेना है, माइनस इसको कर लेना है आपको 27 माइनस, ठीक है गाइस 26 कर लेना है। और नीचे वाला टूल से ना गाइस इसको रख लेना है आपको, थोड़ा इंक्रीज कर लेना है हल्का सा 10 कर लेना है, ठीक है गाइस। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, दूसरा नंबर वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको रख लेना है आपको, थोड़ा माइनस कर लेना है गाइस इसको भी -13, ठीक है गाइस। फिर आपको यहाँ पर गाइस आ जाना, ये पाँच नंबर वाला कलर सेलेक्ट करना है, पाँच नंबर वाला, ठीक है। और इसको बढ़ा लेना है आपको, पूरा 100 कर लेना है। और इसको गाइस रख लेना है आपको पूरा 100, दोनों को 100-100 रख लेना है गाइस, ठीक है गाइस। और नीचे नीचे वाला है गाइस इसको रख लेना है आपको 6+, ठीक है गाइस। फिर ये कलर सेलेक्ट कर लेना है इसके पास वाला, ठीक है गाइस। और इसको आप जैसे रखो ना गाइस वैसा कलर कर सकते हो, देखो गाइस इससे मैं हमको ये अच्छा लग रहा है कलर, तो मैं 6 माइनस करूँगा और नीचे वाले को मैं रखूँगा 64+। फिर यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ गाइस, और डन करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इसके कलर्स के पास है लाइट वाला ऑप्शन, लाइट में क्लिक करना गाइस, और नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और वाइट्स को थोड़ा माइनस कर लेना है और ब्लैक्स को भी थोड़ा माइनस कर लेना है, ठीक है गाइस। कुछ नहीं करना है, फिर आपको यहाँ से फोटो को शेयर कर लेना है गाइस, देखना बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा हो चुका है। होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फोटो को यहाँ से शेयर करना है गाइस ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि गाइस पेज स्मूथ भी करना है हमको, तो ये रहा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, इसके अंदर फोटो को शेयर कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली हमने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लिया है, और यदि पेज स्मूथ करेंगे गाइस तो पेज स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ चले जाना है ऊपर, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर लाइब्रेरी ओपन हो रहा है, तो गाइस लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। और कुछ इस टाइप के ब्रश होंगे गाइस, तो इनमें से आपको दूसरा नंबर वाला ब्रश में क्लिक कर लेना है, करने के बाद आपको सेटिंग ओपन कर लेना है गाइस, और ओपन करने के बाद इसको रख लेना है आपको 2 रख लेना है गाइस, उसको रख लेना है 1, ठीक है गाइस। और जो ये फर्स्ट वाला है गाइस इसको आप कम ज़्यादा कर लेना है, अभी रख लेना है इसको 11.3 कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ कट वाला ऑप्शन दिख रहा है नीचे, तो कट कर लेना है और जूम कर लेना है फोटो को, और इस प्रकार से अपने हैंड पे और पेज में कर लेता हूँ गाइस। में देखो गाइस पेज स्मूथ हो रहा है, सॉरी हैंड में स्मूथ कर रहे हैं हम, देखो गाइस अच्छी तरीके से इस प्रकार कर लेना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस मैं जैसे कर रहा हूँ गाइस इस प्रकार कर लेना है आपको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस। तो ब्रश को सही तरीके से चला लेना है गाइस आपको, और इस प्रकार से देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से पेज स्मूथ हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको पेज स्मूथ करना है और कुछ भी नहीं करना है गाइस फाइनली। तो गाइस अभी होटो में लिप्स भी लगाएंगे, कैसे लगाते हैं होटो में लिप्स, तो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस प्रकार से अच्छी तरीके से पेज स्मूथ, और जहाँ आपको स्मूथ देना है थोड़ा बहुत तो वहाँ दे सकते हो गाइस, तो हैंड में भी दे लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो ज़्यादा तो आपको पेज में वर्क करना है गाइस, क्योंकि पेज में सब कुछ पेज पर ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है गाइस। हैंड वगैरह हम तो थोड़ा बहुत स्मूथ कर चलता है, पर पेस में बहुत ज़्यादा चलता है। तो गाइस इतना होने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जाना है आपको, ठीक है गाइस। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिख रहा है, तो प्लस में क्लिक करना और वाइट वाला लेयर बन जाएगा ऐसे, ठीक है वाइट वाली। तो आपको फिर कलर्स में जाना है, ठीक है गाइस। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है, देख लेना गाइस रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ से ऊपर जाना है इसमें, और फिर लाइब्रेरी ओपन कर लेना है गाइस। अब लाइब्रेरी ओपन करने होने के बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है गाइस, और यहाँ पर ये ब्रश है गाइस देख लेना, इनमें से आपको ये मैं राइट लगा रहा हूँ गाइस, समझ जाना आप, ये जो हमने राइट लगाया ना ये ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। और आपको सेटिंग में क्लिक कर लेना है, और इसको रख लेना है आपको पूरा 100 गाइस, और इसको रख लेना है 7.3। फिर कट कर लेना है और जूम करके अब इस फोटो में लिप्स लगा लेना है, ठीक है गाइस। फोटो के हिसाब से अच्छी तरीके से लिप्स लगा देना है आपको, तो इस प्रकार से लिप्स लगा लेना है गाइस फोटो में। फिर आपको यहाँ जाना है, ठीक है गाइस। फिर आपको वाइट वाली ये लेयर बनाए इसमें क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे अभी नॉर्मल है गाइस, तो नॉर्मल में क्लिक कर लेना है आपको, और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, तो सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर देना है, और यहाँ से कट कर देना है गाइस। फिर आपको इसी लेयर में क्लिक कर लेना है, और जो ऊपर ये लाइन है ना गाइस इसको कम कर लेना है आपको, देखा गाइस जैसे आप जैसे रखो इतना रेट दे सकते हो, तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ गाइस 44। फिर यहाँ से कट कर लेता हूँ,
तो देख सकते हो गैस, इतना होने के बाद ये जो गैस ये बाल है ना हेयर, तो हेयर को भी थोड़ा बहुत सही करेंगे हम। तो यहाँ पर ही जाना है आपको, यहाँ जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है गैस, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और गैस ये जो हमने फर्स्ट में जो ब्रश लिए थे ना, इनमें से आपको ये वाला राइट लगा दिया हमने, ये ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। फिर से मैं राइट लगा रहा हूँ, ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और सेटिंग में क्लिक कर लेना है गैस। आपको सेटिंग में क्लिक करने के बाद इसको रख लेना है आपको गैस 10 पॉइंट कर लेना है, इसको 10 पॉइंट कर लेना, बस 10 पॉइंट रख लेना, ठीक है गैस 10.2 कर लेना है। और इस नीचे वाले को रख लेना है आपको 20 कर लेना है गैस इसको, ठीक है गैस 20 कर लेना है। और इसके नीचे वाले को 22 कर लेना है, ठीक है गैस। फिर कट कर लेना है। और जो गैस हमने यहाँ पर जाना है, फिर से यहाँ जाने के बाद अभी गैस इसमें लेयर में क्लिक कर और आए वाइट वाले में, तो आपको फोटो में क्लिक कर लेना है, ठीक है गैस। फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो गैस ये लाइन आ जाएगी इस प्रकार की, ठीक है गैस। जूम कर लेना है और इस प्रकार से अपने हेयर पे जो हेयर है ना गैस, इसको अच्छी तरीके से चला लेना है, क्योंकि गैस ऐसा लगे कि फोटो एकदम परफेक्ट लगे। तो इस प्रकार से चला लेना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हेयर है ना अच्छी तरीके से कर लेना है। तो देखो गैस ये यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैं सही कर लेता हूँ हेयर को, तो इस प्रकार से हेयर को अच्छी तरीके से कर लेना है गैस। और जो मेरे हेयर है ना गैस, इसको भी मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ, तो रोटेट करके फोटो को इस प्रकार करना है। देखो गैस हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हो रहा है। तो सेटिंग वही रखी हमने जो रखा है ना गैस, वही रखा है सेटिंग आपको, और कुछ नहीं करना है, अपने हेयर पे जिस तरीके से चला लेना है। तो देख सकते हो गैस कितना अच्छा हो चुका है। होने के बाद कुछ भी नहीं करना है गैस, फाइनली यहाँ से 3 डॉट में क्लिक कर लेना आपको। तो 3 डॉट में जैसे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर शेयर वाला आइकन है, शेयर में क्लिक करना और नीचे वाले आइकन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपसे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन है जरूर ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि इस प्रकार की एडिटिंग वाली वीडियो डालो तो सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस हमने बता दिया, ये जो भी PNG और ये बैकग्राउंड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको फ्री में बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गैस मैं टेलीग्राम को ओपन करके दिखा दूँ तुमको, ये टेलीग्राम है गैस, इसको जैसे ओपन करोगे ना गैस, तो गैस ये मेरा ग्रुप है देख लेना, PS एडिटिंग। तो ये ग्रुप है गैस, यहाँ पर देख सकते हो गैस, ये हमने 26 जनवरी का फोटो एडिट भी किया था, तो उसका PNG यहाँ पर फ्री में है गैस। और यहाँ पर देखो गैस बहुत सारे PNG फ्री में मिल जाएगा गैस आपको, बस आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।